प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पर आज दिल्ली के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की महत्वता को भी बताया। जयशंकर ने कहा, पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, ये राजकीय यात्रा सम्मान की दृष्टि से सर्वोच्च है। कुछ ही लोगों को यह सम्मान प्राप्त होता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय पीएम अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे, इसीलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है। सम्मान के रूप में सबसे हाईएस्ट लेवल तो उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है और हमारे ही इतिहास में पहले दो ही स्टेट विजिट हो चुके, पर उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के संसद पे भाषण देंगे। ये जॉइंट एड्रेस होता है कांग्रेस को, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। वहीं भारतीय प्रतिनिधि राकेश मल्होत्रा ने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के नेता मिलेंगे। यह एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया के लिए एक एजेंडा तय करेगा। दिस विल बी हिस्टोरिक इवेंट व्हेनेवर द लीडर्स ऑफ टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज विल मीट। इट विल सेट द विजन एंड एजेंडा फॉर द प्रॉस्परस, पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ वर्ल्ड। तो वहीं पीएम मोदी की अमेरिका की आगामी यात्रा पर न्यूयॉर्क के कांग्रेस ग्रीकी मिक्स कहते हैं कि मैं कांग्रेस की हमारी संयुक्त बैठक के दौरान भारत के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध के लिए, उनकी दृष्टि पर भारत के प्रधानमंत्री से सुनने के लिए उत्सुक हूँ। I look forward to hearing from the Prime Minister during our joint meeting of Congress on his vision for India, for India's relationship with the United States. And our shared work together to advance peace, prosperity, democratic values, and stability in the Indo-Pacific. पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के व्हाइट हाउस आगमन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 21 तोपों की सलामी देंगे। ऐसा सम्मान पीएम मोदी को पहली बार दिया जाएगा।